वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इन्फो। सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आपके मोबाइल में बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है, आप मोबाइल पर टीवी कैसे देख सकते हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है और ये तकरीबन दुनिया के तमाम चैनल्स को कवर कर सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने redtvbox.net इस पर क्लिक करना है, redtvbox.net पर। और उसके बाद ये आइकन आ रहा है डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी ये इंस्टॉल हो चुकी है, आपने इसको ओपन नहीं करना, डन कर देना है। और इसके बाद आपने बिल्कुल बैक पर आ जाना है और प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने एम एक्स जो वीडियो प्लेयर है, याद रखना MAX प्लेयर भी हैं, लेकिन आप लोगों ने MX प्लेयर, ना कि MX बल्कि MX। ये देखें, ये नामों में फ़र्क है, ये MAX है और ये है MX। तो आप लोगों ने MX प्लेयर डाउनलोड करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। 11-12 MB का है। फ्रेंड्स, डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। उसके बाद आपने इसको भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल बैक पर चले जाना। आपने ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, एक रेडट्यूब बॉक्स और दूसरा MX प्लेयर। उसके बाद आपने यहाँ पर आपकी टीवी एप्स डाउनलोड हुई थी, रेड टीवी बॉक्स जहाँ पर आया पड़ा है, आपने रेड टीवी बॉक्स को ओपन करना है। और ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चैनल्स आए हुए हैं। तो आप कोई भी पसंद का चैनल, मिसाल के तौर पर किसी भी चैनल को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च का मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं ARY देखें, ARY तकरीबन सारे आ चुके हैं। तो मैं ARY न्यूज़ देखना चाहता हूँ, ARY न्यूज़ पर क्लिक करूँगा। सामने उसका लोगो आ गया, ऐसे इस पर क्लिक करता हूँ और जो एड्स आएगा आपने उसको हटा देना है। देखें, यहाँ पर ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं। अब अगर मैंने MX प्लेयर इसलिए डाउनलोड करवाया, ये प्रेफरेंस है, इसके साथ बहुत बेस्ट चलता है। अगर आपके पास MX प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके साथ XYZ प्लेयर, 321 प्लेयर या एंड्रॉयड का अपना भी प्लेयर इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम MX प्लेयर डाउनलोड ना भी करें तो ये आप फिर भी काम करेगी। VLC प्लेयर या डिफरेंट किस्म के जो प्लेयर हैं, आप इन पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं MX प्लेयर इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए मैं MX प्लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और फिर जस्ट वन पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर आप ऑलवेज भी कर सकते हैं, आपने अलाउ करना है। देखो फ्रेंड्स, जी अभी इसने काम करना शुरू कर दिया है, लाइव स्ट्रीमिंग है बिल्कुल। किसी और JioTV देखते हैं, जियो न्यूज़, देखो जियो न्यूज़ आ गया। कट ऑफ करना है, MX प्लेयर जस्ट वन कर देंगे। देखिए जियो न्यूज़ भी काम कर रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो तकरीबन हर चैनल्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप इस चैनल को इस ऐप के ज़रिए तकरीबन दुनिया के तमाम चैनल देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपकी कॉफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देगी। और इसमें और डिफरेंट ऑप्शन भी है, साइंस भी, एनिमल प्लैनेट्स, एनिमल HD वर्ल्ड हो गया, किड्स के लिए हो गया, इंडियन चैनल्स हो गए,
ये पाकिस्तानी चैनल्स हो गए, ये मलेशियन साउथ इंडियन चैनल्स हो गए, अरबिक चैनल्स, यूके, यूएसए, बंगला, पंजाबी, इंडोनेशियन, तुर्किश, मतलब इस तरह के पूरी दुनिया के चैनल इसमें मौजूद हैं, तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स चैनल हैं वो भी स्पोर्ट्स चैनल भी यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।